अब पोस्को एक्ट के अंदर बेल जमानत भी नहीं होती है साहब, उम्र कैद भी होती है और मौत की सजा का प्रावधान भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसको आखिर में कहना पड़ता है दिल्ली पुलिस को कि आप FIR लॉज कीजिए। इससे बड़ी शर्म की बात यही मांग कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण ने अगर अपराध किया है तो उसे डर किस बात का है। वो कहता है मैं रात को इस्तीफा दे दूंगा, मोदी जी कहेंगे जब इस्तीफा दे दूंगा तो मैं स्मृति ईरानी से भी पूछना चाहूंगा, मोदी से पूछना चाहूंगा और उस ब्रिजभूषण निकम्मे व्यक्ति से पूछना चाहूंगा कि यही है क्या बेटी आपकी विजयलक्ष्मी धनलक्ष्मी, हमारी जवान बहन की छाती के ऊपर कोई हाथ रख के सांस नापेगा तो क्या हम सहन कर लेंगे क्या? हमारे लिए बहनों की सुरक्षा सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है, इनसे बड़ा हमारे लिए कोई है ना कोई धर्म है ना कोई जात है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इस वक्त भारत के अंदर वो क्राइम अगेंस्ट वोमेन एंड चाइल्ड, महिला और बाल बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं ना, उसके प्रति हमारी गवर्नमेंट को संवेदनशील होना चाहिए। और जो पोस्को एक्ट की आप बार बार बातें कर रहे हैं उसमें अमेंडमेंट संशोधन इतने हो चुके हैं सर, अब पोस्को एक्ट के अंदर बेल जमानत भी नहीं होती है साहब, उम्र कैद भी होती है और मौत की सजा का प्रावधान भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दिल्ली पुलिस है क्या वो दिल्ली पुलिस जो हमारा देश का गृह मंत्रालय है, जो हमारे गृह मंत्री जी आपको पता है उनके अंडर में काम करती है दिल्ली पुलिस, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसको आखिर में कहना पड़ता है दिल्ली पुलिस को कि आप FIR लॉज कीजिए। इससे बड़ी शर्म की बात, मेरे साथ मेरे साथी अनुज भी हैं 30,000 कोर्ट से और मैं खुद राजस्थान राजगढ़ चूरू से हूं साहब, और आज यहां बिल्कुल समर्थन देने के लिए इसी मुद्दे पर, तो हम यही मांग कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण ने अगर अपराध किया है तो उसे डर किस बात का है। वो कहता है मैं रात को इस्तीफा दे दूंगा, मोदी जी कहेंगे जब इस्तीफा दे दूंगा, हम मोदी जी से एक बात पूछना चाहते हैं, मोदी जी पूर्ण बहुमत है आपके पास, आपके सरकार है, 2014 से लगातार आप देश की गद्दी पर बैठे हैं, पानीपत हरियाणा से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की थी आपके हाथों से, स्मृति ईरानी जी ने उस योजना का नाम 2019 में रख दिया बदलाव BADLAV बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धन लक्ष्मी, तो मैं स्मृति ईरानी से भी पूछना चाहूँगा, मोदी से पूछना चाहूँगा और उस ब्रिजभूषण निकम्मे व्यक्ति से पूछना चाहूँगा कि यही है क्या बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धन लक्ष्मी, उसको किसने अधिकार दे दिया एक बहन की वो वृद्ध जो हमारी बहन का जो सांस नापा जाता है पहलवानी के अंदर छाती के ऊपर हाथ रख के, आप बताइए भाई साहब हमारी जवान बहन की छाती के ऊपर कोई हाथ रख के सांस नापेगा तो क्या हम सहन कर लेंगे क्या? ना क्या हम सहन कर लेंगे क्या? कहता है मोदी जी परिवारवाद नहीं करते, ब्रिजभूषण जी 2015 से भारतीय कुश्ती संघ की कुर्सी पे बैठे हैं साहब, उनका लड़का बैठा है साहब उपाध्यक्ष के पद पर, अपना दामाद ही बैठा दिया साहब, तो ये परिवारवाद नहीं है क्या मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है साहब, इसमें मैं इस बात को इस तरीके से कहना चाहूंगा, भारत के संविधान को पढ़िए साहब आप, भारत के संविधान की प्रिंबल है जो प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के लोग हैं तो उसमें धर्म जाति वंश कहाँ से आ गया साहब, उसमें धर्म जाति वंश कहाँ से आ गया ये बताइए आप। और जब हमारे जाट समाज, और मैं खुद जाट समाज से हूँ साहब, मेरे माथे पे तो नहीं रखा मैं जाट हूँ, मेरे माथे पे तो नहीं रखा मैं जाट दिखता हूँ आपको, जब भाई एक बात बताइए, हमारे जवान शहीद होते हैं सरहद पर, किसान हम अनाज पैदा करते हैं पूरे देश के लिए, हमारे बहन बेटियां अखाड़े में मिट्टी में पसीना बहाकर देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, तो आप मुझे ये बताइए साहब यहाँ पे जात पात की बात कैसे आ गई। लोग कह रहे हैं कि ये एक जाट या वर्ग विशेष का आंदोलन है। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप एडवोकेट हैं, आपको जानकारी है कानून की, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वही तो कह रहा हूँ साहब, सब वोटों की राजनीति है, ब्रिजभूषण सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश, वही मैं कह रहा हूँ साहब, जब ब्रिजभूषण गोंडा उत्तर प्रदेश से है और जहाँ से वो सांसद है, आसपास के 15-20 सांसदों की एक
वो गुंडागर्दी वाली टोली उसने अपने कब्जे में कर रखी है। मोदी जी को डर है अगर इस पे हाथ डाल दिया तो मेरी 15-20 सीटें चली जाएंगी, क्या पता, मुझे तो यही लगता है। नहीं तो साहब सुप्रीम कोर्ट के क्या जरूरत थी, क्या एक बहन हमारी खड़ी है उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 24 घंटे के अंदर FIR, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया है क्या ये डिजिटल इंडिया है क्या, आप मुझे बता दीजिए। ये सब राजनीति का है, बजरंग बली का नारा लगवाते हैं मोदी जी कहां पर जाके। हाँ बोलो सर, बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष की लड़कियों ने ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके अंदर हरियाणा से भी लड़कियां हैं, तमिलनाडु से भी लड़कियां हैं, भारत के अन्य स्टेट से भी हैं, 7-8 लड़कियों ने तो एफिडेविट लिख के दे रखा है साहब। अब हमें बताइए कौन सी अदालत में जाएं, कौन सी अदालत में उस दुष्ट को गिरफ्तार करवाएं, आप ही बताएं। हमने तो कानून वो तो हमने पढ़ लिया, वो तो वही तो बता रहा हूँ साहब, कानून ने तो अपना काम कर दिया साहब, कानून ने तो जो एफिडेविट था वो दे दिया साहब, जो उसके खिलाफ कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है साहब, FIR मैंने करवा दी है। अब अगला कदम उन्होंने किसको दे दिया है, हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, जो भी लीगल तरीका होगा, FIR तो हो चुकी उसकी गिरफ्तारी के लिए, वो हम आवश्यक कानूनी जो हमारा एक पैनल है वो कदम उठाएगा। अगर फिर भी कदम नहीं उठते हैं तो आज हमारी सामाजिक खाप पंचायत की अंदर पंचायतें भी चल रही हैं साहब, वहाँ पर जो सामूहिक निर्णय होगा भारत के संविधान के अनुसार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल सही बात है साहब, निर्णय क्योंकि भारत के अंदर संविधान सर्वोच्च है सबको पता है, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है सबको पता है, लेकिन श्रीमान जी जब एक बात बताइए, जब भारत का कानून और भारत की न्यायपालिका अपना काम कर दे और देश की गद्दी पर बैठी वो चुनी हुई सरकार, वो हमने ही तो चुनी है, अगर वो नहीं मानती है तो हमारे पास भी तो वोट का अधिकार है, अब की बार हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। हमारे लिए बहनों की सुरक्षा सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है, इनसे बड़ा हमारे लिए कोई है ना कोई धर्म है ना कोई जात है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदुस्तान की बहनें हमारी बहन हैं और तभी हम यहाँ पर आए हैं साहब, यही कहूँगा सब मैं तो आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।